जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी ये वाली पगड़ी बनानी। इस पगड़ी को बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस कपड़े की आपको पगड़ी बनानी है वो कपड़ा लेना है, और उसके बाद लेना है एक गत्ते का टुकड़ा। तो गत्ते का टुकड़ा आपको साइज़ के हिसाब से लेना है। मैं बना रही हूँ 4 नंबर के कान्हा जी की पगड़ी। तो ये गत्ते का जो टुकड़ा है ये मैंने शादी के कार्ड से कट किया है। इसकी चौड़ाई ली है 1.25 इंच चौड़ी और लंबाई ली है 8 इंच। ये गत्ते का टुकड़ा कट करने के बाद इसी के हिसाब से हमें कपड़ा लेना है, और कपड़े की लंबाई सेम रखनी है, चौड़ाई रखनी है 3 गुना। 1.25 इंच है तो मैंने 1 इंच चौड़ाई ली है, तो जो डिज़ाइन बना रही हूँ उसमें 3 गुना चौड़ाई लेनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ये कपड़ा है ये एक साइड से किनारी है, तो मैं इसको सीधा ही इस गत्ते के ऊपर सिलाई कर देती हूँ। अगर किनारी ना हो तो अब अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर सिलाई करना है। तो सिलाई सबसे पहले सीधी वाली किनारी पे लगानी है, फिर ये कपड़ा उठाना है, और जैसे चुन्नट डालते हैं हम, तो उसी तरीके से चुन्नट डालनी है और उसमें 1/2 इंच का गैप देके सिलाई लगानी है। एक चुन्नट डाल दी, अब मैं दूसरी बार भी ऐसा ही करूँगी, ये दूसरी चुन्नट इससे डिज़ाइन बन जाएगा। तो दूसरी चुन्नट भी मैं इसी तरह डालूँगी और इसके 1/2 इंच गैप पे सिलाई लगाऊंगी। 2 चुन्नट डालने के बाद जो कपड़ा बचा हमारा, उस कपड़े को मैं अंदर की तरफ, यानी कि जो ये गत्ते का टुकड़ा है पीछे, इसकी तरफ फोल्ड करके अच्छी तरह सफाई करके इसे सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए मैंने बचा हुआ कपड़ा नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया और अब इसमें सिलाई लगा दी। अच्छे से पीछे की तरफ सारा कपड़ा लिया और सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद जो ऊपर की तरफ जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें मैं लेस, जो ये घोटा पट्टी की लेस है, ये लेस लगाऊंगी 2 लाइन में। पगड़ी बन के जो बहुत ही लेस से सुंदर दिखेगी और अच्छी भी साइज में रहेगी। तो ये देखिए, ये मैंने कल के लिए लिया है एक कपड़ा। इस कपड़े की लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है इसकी 1.25 इंच। तो इसमें मैंने 4 लाइनें लगाई हैं, कल की का जो कपड़ा तैयार किया है 4 लाइनें। अब मैं जो पगड़ी बनाई थी उसको तैयार करके दिखाती हूँ। उसके लिए आपको इस तरीके से फोल्ड करनी है और नीचे से कान्हा जी के सिर के साइज़ का हिसाब देखना है। कान्हा जी के सिर के हिसाब की राउंड शेप रख के और फिर बाकी कपड़ा इस तरह से ऊपर की तरफ हमें फोल्ड कर देना है। ये पगड़ी मैंने और भी बताई है पहले और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने अब ये सिलाई से मतलब हाथ से इसमें सिलाई की है, सुई लेके। इसमें ना तो ग्लू लगाया ना ही मैंने मशीन यूज़ करी, तो सुई से इसको अच्छी तरह मैंने सील दिया है। अब देखिए, ये कल की मैंने तैयार की है। इसको इसका सिरा पहले पीछे की तरफ फोल्ड किया, फिर छोटी छोटी चुन्नट डाल के इसको एक जगह पे मैंने रेडी कर दिया, और इसको नीचे से बराबर और ऊपर से भी बराबर करके मैं इसको धागे से नीचे की तरफ से टाइट बांध दूंगी। ये हमें धागे से बांधना है और मैं इसको टाइट बांध दूंगी। टाइट बांधने के बाद ये देखिए कल की इस तरह से ये तैयार दिखेगी। और फिर इसको जो हमने पगड़ी का नीचे का बेस बनाया है उस बेस पे इसको बीच सेंटर में रख के, और उसी सुई धागे से जिससे मैंने पगड़ी की सिलाई की है, वो मैंने कट नहीं किया था, धागा इसी पगड़ी के अंदर था, उसी से सबसे पहले इसको बीच सेंटर से सिलाई करनी है। अच्छी तरह से पक्की सिलाई करनी है, और ये मैचिंग का धागा लिया है जिससे अलग से नज़र भी नहीं आएगा। और पक्की सिलाई करने के बाद फिर इसका एक सिरा में मैं पीछे की तरफ सील दूंगी। ये देखिए इस तरह से एक सिरा इस किनारे पे सील दिया और दूसरा सिरा मैं उस दूसरी साइड सुई से ही सील दूंगी। तो ये देखो, ये पगड़ी मैंने सुई से ही अच्छी तरह से दोनों इसमें साइड से सुई से ही मैंने इसको सील के तैयार किया है। तो ये देखिए पगड़ी हो गई बिल्कुल तैयार।